हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशंस ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की परिभाषा। पहले सुनिए, इसमें मुद्रा के मूल्य में सामान्यतः परिवर्तन होता रहता है जिसका देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण और रोजगार पर अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ता है। मुद्रा मूल्य में परिवर्तन दोनों दशाओं में हो सकता है, जब सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि अथवा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है तो इसे मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके विपरीत, जब सामान्य मूल्य स्तर में कमी आने से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। अब आती है इसकी परिभाषा, यानी कि फर्स्ट है, पहले सुनिए। शब्दकोश के अनुसार अंग्रेजी भाषा के इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ है फैलाव या वृद्धि। जब फुटबॉल के ब्लैडर में हवा भरी जाती है तो वह इन्फ्लेट होता जाता है अर्थात फैलता जाता है। इस प्रकार कीमत स्तर के संबंध में इन्फ्लेशन का अर्थ कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि है। सामान्यतः कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसमें डेफिनेशन है, फर्स्ट है, कैमरर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज टू मच करेंसी इन रिलेशन टू द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बीइंग डन। यानी कि कैमरर के अनुसार मुद्रास्फीति की अवस्था उस समय विद्यमान होती है जबकि एक ओर तो मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब नंबर सेकंड है, क्राउथर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज ए स्टेज इन विच द वॉल्यूम ऑफ मनी इज फॉलिंग आई प्राइस आर राइजिंग। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। अब नंबर 3 है, हार्ट्रे के अनुसार मतलब के अकॉर्डिंग द स्टेट इन विच देयर इज ओवर इशू ऑफ करेंसी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब हार्ट्रे के शब्दों में वह परिस्थिति जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो मुद्रास्फीति कहलाती है। नंबर 4, मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इज अ स्टेडी एंड सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार कीमतों में सुस्थिर एवं अविरत होने वाली वृद्धि मुद्रास्फीति की है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है मुद्रास्फीति कीमत स्तर के निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया है। उपयुक्त विवेचन से हमें मुद्रास्फीति के निम्न विशेषताओं का आभास मिलता है। मुद्रा प्रसार एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे दीर्घ अवधि में ही अनुभव किया जा सकता है। स्फीति एक अवस्था नहीं अपितु एक प्रवृत्ति है। यदि मूल्य तक ऐसे स्तर तक बढ़ गया है जिस पर मजदूरी और लागत जैसी अन्य सभी बातें समंजित हो गई हों तो स्फीति नहीं होगी। स्फीति की प्रवृत्ति संचय व स्वतः पूर्ति वाली होती है। प्रत्येक पूर्ति पर मांग का आधिक्य होना मुद्रास्फीति का प्रमुख लक्षण है। स्फीति या तो मांग वृद्धि या लागत वृद्धि अथवा दोनों ही हो सकती है। अब आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के प्रकार, इसमें सुनिए। इसमें नंबर 1 है सेमी इन्फ्लेशन एंड ओपन और फुल इन्फ्लेशन। इनकी आंशिक या अर्ध मुद्रा स्फीति व खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। कीन्स ने मुद्रास्फीति को दो भागों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1 है तो सेमी इन्फ्लेशन,
यानी कि आंशिक या अर्ध मुद्रा स्फीति, इसके बारे में सुनिए। पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से रोजगार तथा उत्पादन की मात्रा में भी कुछ वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं होती। पूर्ण रोजगार स्तर के पूर्व कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को कीन्स ने आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। यह मुद्रास्फीति मुख्यतः उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में अड़चन के कारण होती है। इसे अड़चन स्फीति भी कहा जाता है। नंबर सेकंड ओपन और फुल इन्फ्लेशन, खुली या पूर्ण मुद्रास्फीति। पूर्ण रोजगार स्तर तक पहुंचने के पश्चात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे कीन्स ने खुली पूर्ण वास्तविक या निरपेक्ष मुद्रास्फीति कहा है। इसका कारण यह है कि प्रभावपूर्ण मांग के बढ़ने पर भी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होना संभव नहीं होता, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन काम पर लगे होते हैं। नंबर टू आता है क्रीपिंग वॉकिंग एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी रेंगती चलती व सरपट दौड़ती मुद्रास्फीति। सुनिए, कीमत वृद्धि दर के आधार पर मुद्रास्फीति तीन तरह की हो सकती है, रेंगती हुई स्फीति, चलती हुई स्फीति, सरपट दौड़ती हुई स्फीति। जब कीमतों में वृद्धि दर 5-7% प्रतिवर्ष हो तो उसे रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। यदि मूल्य वृद्धि दर 8-15% प्रतिवर्ष तक तो इसे चलती हुई स्फीति कहते हैं। 15% से अधिक की मूल्य वृद्धि दर को सरपट दौड़ती हुई स्फीति कहते हैं। अभी हमारा देश रेंगती हुई स्फीति की अवस्था से गुजर रहा है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति की माप। मुद्रास्फीति की माप सामान्य कीमत निर्देशांक या थोक कीमत निर्देशांक द्वारा की जाती है। कीमत निर्देशांक वस्तुओं के औसत मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप करते हैं। आधार वर्ष का निर्देशांक 100 मान लिया जाता है तथा उसकी तुलना में चालू वर्ष के निर्देशांक की गणना की जाती है। यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से कम है तो यह कीमतों में कमी को प्रदर्शित करता है, और यदि चालू वर्ष का निर्देशांक 100 से अधिक है तो यह कीमतों में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। चूंकि मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति तथा मुद्रास्फीति के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, अतः निर्देशांकों की सहायता से मुद्रा के मूल्य को भी मापा जा सकता है। मूल्य स्तर के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटता है, जबकि मूल्य स्तर घटने पर मुद्रा का मूल्य की क्रय शक्ति बढ़ता है। भारत में जिस मुद्रास्फीति के संबंध में चर्चा की जाती है उनकी गणना थोक मूल्य निर्देशांक के आधार पर की जाती है। अब आता है ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ राइजिंग प्राइस इन इंडिया, भारत में मुद्रास्फीति या बढ़ती कीमतों की प्रवृत्ति। इसमें सुनिए, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि की दशा को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यदि किसी देश में लगातार मूल्य बढ़ता जाता है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है तो हम कहते हैं कि उसमें मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार की स्थिति विद्यमान है। भारत की मुद्रास्फीति को भारतीय रुपये का क्षय रोग कहा जाता है। यह रोग द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ में लगा था, तब से हमारे रुपये की क्रय शक्ति निरंतर छीण होती गई है। नीचे हम भारत की मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे। भारत में
मूल्यों की प्रवृत्तियों को हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नंबर वन है 1951 से पूर्व मूल्यों की स्थिति। इसमें सुनिए, वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में देखी जाने वाली मूल्यों में वृद्धि द्वितीय महायुद्ध की देन है। सितंबर 1939 में द्वितीय युद्ध के प्रारंभ होते ही वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने लगी थी। युद्ध के कारण सभी वस्तुओं की विशेषता खाद्यान्न जैसी आधारभूत वस्तुओं का अभाव हो गया था, क्योंकि अधिकतर उत्पादन का प्रयोग युद्ध की पूर्ति के लिए किया जाता रहा। देश में प्रतिरक्षा व्यय में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण सरकार को अत्यधिक मात्रा में नोट छापने पड़े। इन सब के परिणाम स्वरूप 1939 से 1947 तक सामान्य मूल्य स्तर 600% बढ़ गया था। 1947 के बाद भी देश के विभाजन, मुद्रा के अवमूल्यन तथा कोरिया युद्ध आदि के कारणों से 1950 तक मूल्यों में बराबर वृद्धि होती रही। अब नंबर दो, योजना अवधि में कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति। मूल्यों की स्थिति कह लो या प्रवृत्ति, एक ही बात है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि को छोड़कर शेष सभी योजनाओं के काल में कीमत वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। नंबर फर्स्ट है प्रथम योजना। इस योजना में की अवधि में कीमतों में लगभग 3.6% प्रतिवर्ष की कमी हुई है। सेकंड है दूसरी योजना। इस योजना के दौरान कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं। दूसरी योजना की अवधि में कीमतों में 6.2% की औसतन वृद्धि हुई है। तीसरी योजना में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रही। इस योजना की अवधि में कीमतों में लगभग 5.7% प्रतिवर्ष की औसतन वृद्धि हुई है। चौथी योजना में कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रही है। इस योजना की अवधि में कीमतें औसतन 8.9% प्रतिवर्ष बढ़ गई हैं। पांचवी योजना की अवधि में कीमतों में लगभग 6.3% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। छठी योजना की इस अवधि में कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति जारी रही। इस योजना की अवधि में कीमतों में 9.3% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई। सातवीं योजना में कीमतों में वृद्धि जारी रही। सातवीं योजना में कीमतों में औसतन वृद्धि की दर 6.7% प्रतिवर्ष रही। आठवीं योजना में औसतन 6.6% की कीमत वृद्धि हुई। नौवीं योजना में औसत वृद्धि की कीमत वृद्धि 4.4% थी। दसवीं योजना में पहले वर्ष 2002-03 में कीमत वृद्धि 3.4% थी, वह बढ़कर योजना के अंतिम वर्ष में 6.3% हो गई। और 11वीं योजना में प्रथम 3 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में निरंतर वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08-09-09-10 में मुद्रास्फीति दर क्रमशः 4.7%, 8.4% और 12% थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।